कठोरता भर ले आवा और अति आनंद उमंग अनुराग। अनुराग जो है मनोमूल सूत्र यह है कि प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए वस्तु का महत्व नहीं है, वर्ण का महत्व नहीं है, जात का महत्व नहीं है, कुल का महत्व नहीं है, वाणी का महत्व नहीं है, पर अनुराग जो है वो वही अनुरागी प्रभु की प्राप्ति में हेतु है। और इसको कोई संदेह नहीं कि केवल अनुराग का जहां तक संबंध है, गौतम जी ने कहा वह चरण पसार रहा और मनोदो धारणा। महाराज श्री जनक के प्रसंग को पढ़ करके लगता है कि भाई पहले पात्र बनो तब न प्रभु का चरण मिलेगा। तो ये जो साधना है वो अपने आप को प्रभु की प्राप्ति और चरण की प्राप्ति का मार्ग है। हम कैसे अधिकारी बने, पर केवल उठी उल्टी बात कहते हैं। उसका जो दृश्य है वो उल्टा है। क्या एक और साधन में ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति अधिकारी बनेगा तब चरण मिलेगा, और केवट कहता है कि बिल्कुल नहीं, प्रभु का चरण जहां आ जाएगा वही अधिकारी बन जाएगा। कृपा से अधिकारी बनता है, साधना के द्वारा कोई अधिकारी नहीं बनता। मैंने कोई साधना तपस्या और का उसके द्वारा चरण प्राप्त नहीं किया, पर वो तो अपनी कृपा के द्वारा ही प्रभु जहां अपना श्री चरण रख देते हैं वही पात्र योग्य हो जाता है। तो मानो गोस्वामी जी का यह अभिप्राय है कि जो व्यक्ति जिस स्थिति में है जहां भी है तो वो भगवान को पा सकता है, प्रसन्न कर सकता है, धन्यता का अनुभव कर सकता है अगर उसके अंतःकरण में अनुराग। अब उसके बाद गोस्वामी जी इतना विस्तार देते हैं कि आश्चर्य होता है। क्या विवाह में बहुत मधुर गालियां गाई गई तो इसने लिख दिया कि गावत दे मधुर कब जेवत दे मधुर धुनि गाली ले ले नाम पुरुष अरुणाली। हमारे रसिक लोग कितनी बढ़िया गालियां सुनाते, इसमें तो एक भी गाली नहीं लिखी थी। लेकिन जब चरण पखारने का वर्णन करते हैं तो लगता है कि जैसे गोस्वामी जी का वो इतने विस्तार से, अब वहां आप प्रारंभ से अंत तक पढ़िए और तब आपको लगेगा कि गोस्वामी जी का उद्देश्य क्या है। गोस्वामी जी का उद्देश्य जब वो प्रारंभ करते हैं आज महाराज जनक किन चरणों को बखार रहे हैं, और तब गोस्वामी जी कहते हैं जे पद सरोज, जे पद सरोज, कृपया आप एकाग्र रहेंगे, जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजे। अब प्रभु के चरणों को उन्होंने कमल के रूप में देखा, तो अब कमल जो है उसको किसी सरोवर में ही दिखाई देता है। तो ये जो प्रभु का जो चरण कमल है, वो चरण कमल ये किस सरोवर में खिला हुआ है? और गुरुस्वामी इनका जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजे। शंकर जी के दिव्य हृदय के सरोवर में यह चरण कमल खिला हुआ। अब उसके बाद उन्होंने जो शब्द कहे वही साधना का, कृपा का, अनुराग का तत्व है। और उन्होंने कहा जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजे, जे प्रकृत सुमिर विमलता मन। किसी सरोवर में जल हो पर सरोवर अगर गंदा हो तो सुंदर लगने पर भी अगर उस सरोवर में प्रविष्ट होगा व्यक्ति तो जल की गंदगी कण गंदा हो जाए। तो मानो का उसकी सार्थकता तब है जब वह जल को स्वच्छ करे, जल स्वच्छ हो। तो गोस्वामी जी ने कहा ये जो पद सरोज है इसकी विशेषता यह है कि इसका स्मरण करने से जो सकृत सुमिरत विमलता मन, मन जो है उसके समस्त मल का विनाश होता है। मन उद्देश्य है कि प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए हमारा मन पवित्र हुआ कि नहीं, हमारे मन के मल नष्ट हुए कि नहीं। अगर मन का मल नष्ट नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उस कमल के दर्शन का सौभाग्य मिलने पर भी
हम धन्य नहीं हो पाए और उसके पश्चात फिर संतोष नहीं होता। जय सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजे। और अब इतिहास जोड़ गए और इतिहास पर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने कहा क्या कहा। इतिहास का वर्णन करते हुए कहते हैं, जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजे, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल परिमल भागे। और फिर जे परत मुनि वदिता लही गत रही जो पातक मई। मानो जब उन्होंने ये कहा कि भगवान शंकर के हृदय में यह कमल खिले हुए हैं तो ऐसा लगा कि भगवान शंकर तो मनोज हरि हैं, काम के शत्रु हैं। और उसका अभिप्राय है कि अगर हमारे अंतःकरण में कामादि विकार है तो प्रभु का चरण कमल नहीं आएगा। तो गोस्वामी जी ने डरने वालों को आश्वासन दे दिया, नहीं डरो मत, क्यों जे परत मुनि बलिता लही गति, जिसका स्पर्श करके मुनि की पत्नी अहिल्या ने गति प्राप्त कर दिया तो वो मनोज काम के विरोधी हैं और अहिल्या कामग्रस्ता है। काम के कारण ही उसको अभिशप्त होकर के पत्थर बनने का शाप मिला है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कैसी अनोखी बात, कामारी के हृदय में जो कमल खिला यही अहिल्या ने भी तो कहा। अहिल्या ने बार बार गदगद कंठ से कहा कि प्रभु आज मैं अपने सौभाग्य की क्या तुलना करूं, आपने उस चरणों को आज मुझे दे दिया कि जो आपका चरण शंकर जी के हृदय में विराजमान है, का उस चरण को आपने मुझ पर रख दिया। मानो गोस्वामी जी दया का पक्ष करुणा का पक्ष, इसका अभिप्राय है कि मन की निर्मलता के लिए, मन निर्मल जिनका है वो तो धन्य है ही, पर जिनका मन निर्मल नहीं है वे भी प्रभु के चरणों के आश्रय से धन्यता प्राप्त कर सकते। पर वो जो बात कहना चाहता था वो आप उसको ध्यान में रखेंगे, कमल है, पराग है और मकरंद है। अब गोस्वामी जी जब कमल बता चुके तो कमल बताने के बाद अब जो संकेत वो देते हैं वो ये है कि यह जो चरण है इन्हीं चरणों से गंगा का प्रकट हुआ। तो चरण धूल मानो अगर प्रभु के चरण कमल है तो उसमें जो धूल है वो उसकी पराग है। तो पहले कमल, कमल का पराग, जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजे, जे सकृत सुमृत विमलता मन सकल कलिमल भाजे। जो परत पराग का स्पर्श होता है, पराग को छुआ जाता है, वो स्वामी जी का जो परत विमलता मन सकल कलिमल भाजे। और उसके पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं कमल, कमल के बाद पराग और पराग के बाद मकरंद। क्या गोस्वामी जी ने कहा, यह चरण के जो कमल है जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजे, जे परत मुनि वनिता लही गति। अहिल्या ने पराग का स्पर्श पाया, चरण धूल था। मानो संकेत यह है कि भाई धूल तो उड़ी तो छिजानी पड़ती, पर पराग के रूप में जो कमल की धूल है उसके से वे देवता का, तो अहिल्या ने उस पराग का स्पर्श किया और जो परस मुनि बनपा लगी गति रही जो पातक मई। और तब भक्तों को क्या है कि किसी प्रकार से इसके मकरंद का पान किया जाए। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मुनिजन है वो मकरंद हो करके, अहिल्या जो है पराग का जो परत मुनि बनता लही गति रही जो पातक मई मकरंद, जिनको सब मुझसे बड़ा सांगीतिक तत्व, भगवान शंकर के हृदय सरोवर में यह कमल खिला हुआ है, इसके पराग और उसके स्पर्श का उसकी शोभा का आनंद तो सब ले रहे हैं, पर मकरंद जिनको समुद्र सुचिता अवधि सुर भर रहे। यह तो मानो गंगा के रूप में जो दिव्य चरण मकरंद रस उसकी जो दृष्टि होती है, कर मधु को मन मुनि जो
जो हैं पहले प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार से हमारा मन मधुप बन जाए, और वो कर मधुप मन जो जन जैसे अभिमत गतिल है ते पद पथारक भाग्य भाजन जनक जय जय सबका। मानो संकेत यह है कि कमल का दर्शन करने के बाद अगर हमारे अंतःकरण में उन चरणों के समीप पहले पहुंचने की आकांक्षा उत्पन्न नहीं हुई, दूर से ही हम देख करके लौट आए तो हम बहुत बड़े लाभ से वंचित रहे, और पास जाकर के पराग का स्पर्श किया तो सौभाग्यशाली, और पराग के बाद अगर मकरंद रस का पालन कर लिया तो फिर कहो तो वो योगियों का चरम उद्देश्य भी यही है कि उस मकरंद रस का पालन करके हम धन्यता का अनुभव करें। उसका अभिप्राय है कि यह जो मकरंद है यही दिव्य प्रेम है, प्रेम का जो दिव्य रस है जब तक हमारे हृदय में उसका रस नहीं आता, जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती, तब तक जो है तब वो सारे विवाह प्रसंग का चरम उद्देश्य पूरा नहीं। और यहां पर भी गोस्वामी जी चार शब्दों के द्वारा, मैं आशा करता हूं कि आप सोएंगे नहीं, विवाह के मंडप में वो भी नहीं सोना चाहिए और गोबर में तो सोने की बात ही नहीं होना चाहिए। तो वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय जो परस्पर वार्तालाप हो रहा है उस सारे दृश्य को गोस्वामी जी चार शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। क्या? उनका कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम। जाय कहीं जाने अली, यहां पर कोहबर में जो दृश्य हो रहा है उसमें जो कौतुक है, उसमें जो विनोद है, उसमें जो प्रमोद है और उसका जो प्रेम है उसका स्वादन तो सखियां ही करती हैं। वे आप वैसे सखियां हैं, अली हैं, और अली जो है वो कमल भी है। गुंजत अलीलय चल मकरंदा, वो स्वामी जी का मानो उद्देश्य है। और संदर्भ में कल आपके सामने कुछ बात कही थी कि कौतुक संसार में भी दिखाई देता है, विनोद भी दिखाई देता है, और विनोद के बाद प्रमोद भी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में बड़ा प्रमोदित हो गया। पर वस्तुतः अगर इन सब की परिणति भगवान के चरणों के प्रेम के प्रति नहीं हुई तो वो कौतुक, वो विनोद, वो प्रमोद जो है वो सार्थक नहीं। तो कहे श्री रामकृष्ण मानस में गोस्वामी जी ने यह बताया कि एक ओर काम का कौतुक और दूसरी ओर श्री राम का कौतुक। काम का कौतुक दो घड़ी का और दो घड़ी में छन्मह मिटे सकल सुख सेतु, वह घड़ी कर काम के द्वारा यह दृश्य उपस्थित हुआ, और श्री राम का वह का कौतुक जब दो ही घड़ी में भुसुंड जी के उभय घड़ी मैं सब देखा। जब काम कौतुक करता है तो वो समस्त ज्ञान वैराग्य सद्गुणों को विनष्ट कर देता है, और जब प्रभु कौतुक करते हैं तो उनके कौतुक में खेल खेल में समग्र तत्व ज्ञान का बोध हो जाता है, समस्त सृष्टि के रहस्य का ज्ञान हो जाता है। इसलिए एक कौतुक का ये दोनों दृश्य। अब इस कौतुक को यहां पर जनकपुर के प्रसंग में विचार करके देखें क्या हो रहा है। इस प्रसंग में जो एक बड़े महत्व की बात है उस पर दृष्टि डाली कि श्री रामभद्र यहां पर बगल में ही विराजमान है, पर श्री किशोरी जी उन्हें देख नहीं रहे, सीधे नहीं देख रहे। कहां देख रहे हैं? अपने हाथ के कंगन में जो मणि है उसे देख रहे हैं, और वो हाथ को हिलने भी नहीं दे रहे, आंख की पुतलियों को जरा भी चलने नहीं दे रहे, और प्रतिक्षण उनमें एक भय का भाव बना हुआ है। बड़ा विशिष्टता लगता है। अगर वो सामने देखे तो न तो हाथ को इस स्थिर रखने की आवश्यकता है, और न तो पलकों को ही इस तरह से बिल्कुल स्थिर करने की आवश्यकता है। भला क्या आवश्यकता है कि संयोग में विरह भय की भावना उदित हो। यह जो अक्षर की व्याख्या है, अब जहां पर योग है
वहां पर वियोग का भाव उदित हो तो स्वाभाविक, पर जहां इतना सामीप्य है वहां पर चालक दिन भुज बल्ली विलोकन विरह भयवत जानकी क्या तात्पर्य। मानो सूत्र यह है और उसको आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि ऐसा लगता है कि इस भक्ति रस की विलक्षणता ही यही है कि इसमें श्री किशोरी जी ने का जब उस वाचिका में श्री प्रभु श्री राम भद्र को देखा तो अभी अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो दूरी है, प्रभु लता कुंज के आड़ में खड़े हैं और लता कुंज के आड़ में दूर से दर्शन हो रहा है, तो यहां जो वियोग और वियोग का की दूरी है या वियोग का भय है वह तो स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन वहां किशोरी जी ने क्या किया, वहां उन्होंने विरह को विरह नहीं रहने दिया, संयोग बना दिया। क्या वो समी ने कहा देखा और देखने के बाद क्या वियोग रहा, उस वाटिका में वियोग है कि संयोग है, मिलन है कि दूरी, बहिरंग दृष्टि से देखें तो दूरी है, पर गोस्वामी जी कहते बाहर तो दूरी ही दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोले, पर अंतरंग में देखें तो गोस्वामी जी ने कहा लता ओठ तब सखने लिखाए, बड़ा विचित्र कौतुक है। क्या श्री किशोरी जी श्री राम भक्त को खोजती फिरे, इससे बढ़ के कौतुक क्या हो, यो कह लें कि जैसे जब बच्चे खेल खेलते हैं कौतुक करते हैं तो खेल का एक रूप यह है कि अच्छा मैं छिपता हूं तो मुझे ढूंढो, तो एक सचमुच खोया हुआ हो उसे ढूंढे तो एक बात है, पर जो मिला हुआ है वो छिपता है और छिपने के बाद फिर वो खोजने का क्रम प्रारंभ होता है। तो भक्त की लीला क्या है कि ज्ञान में तो ईश्वर निरंतर प्रतिक्षण प्राप्त है, कभी भी उससे वियोग नहीं है, वो निरंतर विद्यमान है, पर भक्त की लीला और कौतुक का आनंद ये कि जो दूर नहीं है उसको भी दूर बना के उसकी खोज होती है, वो कहां है कहां छिप गए, और अगर खोज में पकड़ लिया जाए जिसने एक तो छिपा और दूसरा खोजने चला, और खोजने वाले की कला यही है कि वो कहीं भी छिपा हो उसको निकाल ले, और निकाल ले तो बस वो जीत गए कि उसने खोज लिया। मानो भक्त और भगवान के बीच में यही लीला चलती है जिसे आप मिजोनी का खेल कर सकते हैं, तो भक्त और भगवान के बीच में नहीं, यहां तो श्री किशोरी जी और प्रभु के बीच में विलक्षण लीला चल रही, विलक्षण खेल चल रहा। क्या ऐसा लगता है कि जैसे श्री किशोरी जी ने तो कभी उन्हें देखे केवल जब सखी से वर्णन सुनती है कि देखन बाग कुंवर दुआए बैठ दौड़ संवाद सुहाए, तो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि सखियों को ऐसा लगा कि इस वर्णन को सुनकर के उनके हृदय में दर्शन की उत्कंठा जागृत हो गई। सुई हरती तब सखी सयानी सी ही अति उत्कंठा जानी, वर्णन सुन करके बड़ी उत्कंठा हो गई है, जो सुंदर राजकुमार कौन आए हुए हैं जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी के द्वारा समस्त जगतपुरवासियों को वश में कर दिया है। क्या यह उत्कंठा का उस अर्थ में क्या उन्होंने कभी नहीं देखा, क्या उनके उनका वर्णन सुन करके उनके अंतःकरण में उत्कंठा जाएगी और उससे भी बड़ा आनंद क्या है। श्री किशोर जी बिल्कुल नहीं बोले, मौन है। सखियों ने जब यह निर्णय किया कि अच्छा उनका दर्शन कर ले चले, तो श्री किशोर जी क्या खेल कर दिए, क्या कौतुक, बोले चली अग्रकर प्रिय सखी सो, जिस सखी ने कहा कि आज मैंने वाटिका में उनको देखा, बड़ा सुंदर क्रम है, अन्य सखियां श्री किशोर जी के साथ पार्वती जी के भोजन में दिखाई देती, पर एक सखी जो है वो वाटिका में घूमने चली गई,
क्या इतनी घुमक्कड़ सखी है कि श्री किशोरी जी का साथ छोड़ करके बाग में घूम रही? नहीं, श्री किशोरी जी तो विधिवत पूजा कर रहे, पर ये सखी जो है क्यों चली गई? इसलिए कि उस सखी का आपको स्मरण है, इसी वाटिका में एक दिन देवर्ष नारद आए थे और उनके चरणों में जब श्री किशोरी जी ने प्रणाम किया तो उन्होंने यही कहा दिव्य मानव लीला में कि पुत्री, इस वाटिका में जिस राजकुमार को देख करके तुम्हारे हृदय में अनुराग का उदय होगा वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। सखी बाग में तो चली गई, पूजा की अपेक्षा भी संत की वाणी पर उसे अधिक विश्वास। बोले देवर्ष नारद, जैसे संत ने कहा है तो जरा देखे तो वो राजकुमार जो जिनके दर्शन से हमारी सखी के हृदय में का प्रीति का उदय होगा और वो उनसे विवाह होगा। इसलिए संत की देवर्ष नारद की वाणी पर विश्वास करके वो वाटिका में जाती है और संत के वचनों के विश्वास का फल भी उसे मिल गया, विधि के द्वारा बात में मिले और संत की वाणी के आशीर्वाद से जिसने आशीर्वाद पर विश्वास किया उसे पहले मिल गया। अब गोस्वामी जी ने कहा श्री किशोरी जी आगे चलती है, सखियां पीछे पीछे चलती है, पर आज श्री किशोरी जी ने उस सखी से कहा बिना बोले तुम आगे चलो। क्यों? अब तुम्हारी तरफ में देखे तो यही कि भाई तुमने देखा है, मैंने तो देखा नहीं, तुमसे सुन करके उत्कंठा जागृत हुई है तो मार्ग भी तुम्हें दिखाओ। पर ये तो बाहर वाला भाव, अंतरंग भाव क्या? वो स्वामी जी ने अगले वाक्य में कहा कि श्री किशोरी जी अभिन्न है, वो तो है ही, पर अगर दो भी हैं, दो के रूप में लीला कर रहे हैं तो क्या श्री किशोरी जी को पता नहीं है कि कहां है? पर गोस्वामी जी ने कहा सखी को आगे इसलिए नहीं कर दिया क्यों नहीं पता नहीं, बल्कि डर लगा। क्या डर लगा? चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न सोई। मैं आगे चल करके अगर वहां पहुंच गई तो सखियां कहेंगी आपको कैसे पता था कि यहां कहीं पहले से कोई निश्चय था क्या? तो हम लोगों के पुरातन प्रेम को कोई जान न जाए। अब श्री किशोरी जी और ब्रह्म का प्रेम क्या है वो समझे, दो अनोखे उल्टे शब्द लिखते हैं। पहले लिखते हैं सुमिरि दीय नारद वचन उपजी प्रीति पुण्य। श्री किशोरी जी के हृदय में नारद जी के वचनों का स्मरण करके पवित्र प्रेम का उदय हुआ। और दूसरी ओर कहते हैं प्रीति पुरातन लगे निकुल, तो ये प्रीति जो है नूतन है कि पुरातन है? श्री किशोरी जी को उस सखी को आगे इसलिए करना पड़ा कि हम दोनों के पुरातन प्रेम को ये कोई जान न दे। और उसका सूत्र क्या है? ज्ञान की विलक्षणता है उसका एक रस होगा। ज्ञान में कोई कहो तो ब्रह्म है, तो निरंतर है, स्वरूप है, अपने हृदय में है, अंतःकरण में है, अपने से अभिन्न है। पर प्रेम की विलक्षणता क्या है? प्रेम अर्थ क्या है? बोले चिर पुरातन होते हुए भी जो नित्य नूतन बना रहे वही भक्ति रस। क्योंकि जो पुरातन होता है वो प्रामाणिक तो होता है पर रस नहीं लगता। जो वस्तु जितनी पुरानी होगी वो कहेंगे इतनी पुरानी है पर पुराने में रस नहीं होता, और नवीन में रस होता है लेकिन पता नहीं वो वस्तु कितनी टिकाऊ है। मानो प्रेम की विलक्षण व्याख्या यही है। और इसीलिए प्रेम अनिर्वचनीय है कि एक ही समय में वह पुरातन भी है और नूतन भी है, शाश्वत भी है और शाश्वत होते हुए भी निरंतर उसमें नवीनता का ही मोल होगा। तो एक ओर उपजी प्रीति पुनी और दूसरी ओर प्रीति पुरातन लगे कोई। और जो खेल प्रारंभ हुआ तो अब सखी तो आगे आगे चली बड़े उत्साह से कि जहां मैंने देखा था वहां मैं जाके दर्शन कराऊं। जब वहां लेकर के जाती है तो वहां वो श्री राम भद्र नहीं, श्री नहीं है। तो अब तो बड़ी सखी ने कहा कि मैंने तो यही देखा था,
कहां चले गए। अब उसके पश्चात जो खोज प्रारंभ होती है, श्री किशोरी जी व्याकुल होकर के चारों ओर ढूंढ रहे, किसको ढूंढ रहे, जो उनसे अभिन्न, जो तत्वतः एक ही है, आज व्याकुल हो गई, कहां छिप गए। का यह जो दिव्य एक कौतुक चल रहा है, चित्तवत चकित जहूं जिस सीता, कहां गए नृप किशोर मन चिंता, और जह विलोक मृग सावक नैनी, जन कह बजत समन सित त्रेणी। अंत में नहीं पहुंच पाई, नहीं खोज पाई, नहीं नहीं पता चला, पता नहीं कहां चले गए। और सब दर्शन किसके द्वारा हुआ, बोले लता वोट सब सखी ने लगा, सखियों ने श्री किशोरी जी को दिखलाया, वो देखिए लता की ओर में। मानो यही जो दिव्य कौतुक है उसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है, भक्ति संयोग है कि वियोग है, भक्ति प्रेम जो है वो पुरातन है कि नूतन है, क्या है उसका लक्षण, क्या उसकी विलक्षणता है। और उसका अभिप्राय सर्वत्र एक ही है, विजयन गोस्वामी जी ने संकेत किया। थोड़ा और भी गंभीर रूप में गोस्वामी जी ने उसे चित्रकूट में वृक्ष के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। श्री किशोरी जी और प्रभु जिस चित्रकूट में वट वृक्ष की छाया में बैठते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं उस वट के पत्ते जो है वो नीले रहे हैं, और वट के जो फल है वो लाल है, आपने देखा होगा वट का फल लाल होता है, ठीक है। पर गोस्वामी जी एक अद्भुत वहां पर कल्पना करते हैं कि नीले पत्ते और लाल को फल दे, लाल फल देख करके क्या लगता है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वो जो वट है वो लाल पत्ता जो है, नीला फल क्या है, उन्होंने कहा मानो ये रास्ते, और यह जो लाल फल है वो मानो सूर्य का प्रकाश। मानव तिमिर अगुणमय राशि, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छान सुखद सब काला, मानव तिमिर अगुणमय राशि, बिरजी विधि सकेज सुखमान। ब्रह्मा ने एक आज अद्भुत कार्य करके दिखाया, जहां युगल विराजमान है वहां पर ब्रह्मा ने सोचा कि प्रकाश में बैठा मैं कि अंधकार में बैठा हूं, प्रभु प्रकाश में मिलते हैं कि अंधकार में, दिन में कि रात्रि में। और तब उन्होंने कहा, अद्भुत खेल किया ब्रह्मा ने, इस वट का जब निर्माण किया तो ऐसा लगता है कि प्रकाश और अंधकार को मिला करके अद्भुत वृक्ष की रचना की। भक्ति का रूप ये रूप माने प्रकाश और अंधकार, ये जो परस्पर विरोध है उस विरोध का एक साथ जो विलक्षण दर्शन जहां पर होता है वही दिव्य प्रेम और भक्ति का रस। इसका अभिप्राय जो नहीं खोया हुआ है, जो उसको खोया हुआ मान लेना, जो अपने से अभिन्न है उसको खोजना, और खोजने में भी अपने को खोज न पाना, लगता है कितना किशोरी जी भी खोज नहीं पाई, पर आनंद क्या है जो सखी ने दिखाया, क्यों देखी है तो आपने क्या है। बोले संयोग में वियोग में संयोग की पराकाष्ठा, वियोग में संयोग की पराकाष्ठा क्या है, अब दिखाई दे दिया कि नहीं खोज पाई, नहीं देख पाई, सखियों ने दिखाया, देख लिया, दर्शन कर दिया दूर से, और फिर मां के आज्ञा का स्मरण करके लौट। पर ये तो वैरंग, यहां भीतर क्या चल रहा है। पर जह विलोक मृग सावक नैनी, जन कह बरिष कमल सेनी, लता ओट तब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाए। अद्भुत बात, नेत्र ललचा गए, सचमुच क्या लालच की आवश्यकता है क्या। पर मानो भक्त साधना का स्वरूप ये कि अगर भक्त को यह अनुभव होने लगे कि अब तो हमने जो कुछ पाना था पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं। लोभी को जैसे कितना भी मिलता जाए, पर मिलते जाने पर भी उससे पूछा जाए कि इतना पा लिया अब तो कुछ नहीं,
अरे नहीं भाई, अभी खापा लिया और चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज जब सूरी राम कथा लिख चुके तो प्रभु ने मानो पूछा, तुमने मेरे यश का वर्णन किया है, मैं बदले में क्या दूं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप अपने चरणों में प्रेम दीजिए। प्रभु ने पूछा, भरत की तरह प्रेम की, लक्ष्मण की तरह की, हनुमान जी की तरह, किसकी तरह तुम प्रेम चाहते? उन्होंने कहा, प्रभु इतने बड़े बड़े नाम का स्मरण मैं करूं कि मैं भरत जी की तरह प्रेम चाहता हूं, लक्ष्मण की या हनुमान जी की तरह प्रेम चाहता हूं? तब कौन नया पात्र निकल आया, बोले महाराज मुझे तो दो, बस आप दो के रूप में जैसे दोनों की वृत्ति है वैसी मुझे बना दी। क्या कामी नारी प्यारी और लोभी प्रेज मिदाम तुम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाघव बोला। जैसे कामी को नारी सौंदर्य प्रिय लगता है, जैसे लोभी को दाम प्रिय लगता है, मानो यहां की अद्भुत दृष्टि है। मानो काम में मिलन की तीव्र उत्कंठा होती है जिसके प्रति राग है, अब वो सांसारिक दृष्टि से सांसारिक मिलन की आकांक्षा में जो उत्कंठा होती है, इस उत्कंठा को आप इस प्रेम रस में भी देखें। सी ही अति उत्कंठा जानी, पर अब उसके साथ जा लोभ जो है और लालची यही है कि देख रूप लोचन ललचन, उस रूप को देख करके लोचन ललचा गए और हर से जन निज निज पहचाने। और तब उन्होंने क्या किया, वियोग में संयोग की पराकाष्ठा, और संयोग की पराकाष्ठा क्या है, सखियों को यही दिखाई पड़ा कि दर्शन करके लौट गए। पर बात तो दूसरी हो गई, महानतम मिलन तो उस वाटिका में ही हुआ, और वह मिलन इस रूप में था कि लोचन मग्न रामायण पूरे आने, श्री किशोरी जी नेत्र के मार्ग से प्रियतम प्राण धन को अपने हृदय में ले आते, और उसके पश्चात जैसे किसी अतिथि को ले आए, उसका सत्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं, इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने पूछा, श्री किशोरी जी जब नेत्र में ले आई, नेत्र मार्ग से हृदय में ले आई, तो उन्होंने प्रभु की कैसे पूजा किया, कैसे कैसे उनका सम्मान किया? गोस्वामी जी ने एक शब्द में श्रृंगार की और मर्यादा की पराकाष्ठा कर दी। कब प्रभु को नेत्र मार्ग से हृदय में तो लिया, पर आगे की लीला का तो वर्णन कीजिए। बोले दीनव पलक कपाट सयानी, किवाड़ बंद हो गया आगे की बात मेरे बस की, वहां दूसरे का कोई प्रवेश नहीं। अब उस कपाट के द्वारा वो कपाट पर कितने शब्द में तो श्रृंगार की पराकाष्ठा हो गई, दीनव पलक कपाट सयानी, इतना दिव्य जहां पर इतना वियोग है कि दूरी लग रही, वहां पर हृदय में ले आई, पलकों का किवाड़ बंद है। और उसके पश्चात गोस्वामी जी मौन होते हैं कि भाई उस लीला में तो किसी व्यक्ति का रंज मार्ग प्रवेश नहीं, और यहां पर वह वर में जहां वियोग था वहां संजोग, और जहां संजोग था दूल्हा महोदय जहां बगल में बैठे हुए वहां वियोग कम है। संजोग भक्ति है, संजोग प्रेम है कि वियोग प्रेम है? और इसका अर्थ है कि ज्ञान में एक अरसता भले ही गुण हो, अगर प्रेम में वियोग में अगर उसको गोस्वामी जी ने कई कई रूपों में उसका वर्णन बहुत तात्विक और सांकेतिक और भावनात्मक रूप में किया है, और उसका अर्थ यह है कि कहीं अगर व्यक्ति को निरंतर लोभ न बना रहे, अगर वियोग की आशंका न बनी रहे, तो उसका परिणाम क्या होगा? गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात की कि भगवान की याद कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने कहा धनी जैसे धन की याद करता है वैसे नहीं याद करिए। धनी महोदय को तो ज्ञात है इतना धन है और बैंक में जमा है और बैंक में धन सुरक्षित, कैसे याद करना चाहिए? उन्होंने कहा सुनो सठ, सदा रंक के धन जो पुनि पुनि प्रभु ने संभाले, एक गरीब के पास थोड़ा सा धन हो तो क्या करे, दिन भर में 10-5 बार अकेले में गिन लेगा कि है तो कहीं चला तो नहीं गया,
उन्होंने कहा कि जहां पर प्राप्ति में भी अप्राप्ति का भ्रम भय बना रहेगा, वहां जैसा स्मरण होगा वैसा स्मरण जो है कब निरंतर सामिप्य और संयोग की अनुभूति से नहीं होगा। इसलिए वो स्वामी जी मानो यह बताना चाहते अद्भुत ध्यान रस की यह पद्धति, यह जो स्वरूप है कि जहां पर वियोग था वहां लोचन वगैरह बन उड़े आए और जहां विराजमान है बगल में विराजमान है, घर भी छूट चुका है, विवाह भी भौतिक संदर्भ में हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, पर वहां डर लग रहा है कि कहीं चले ले जाए, क्या दूल्हा उठ के चला जाएगा क्या? बोले नहीं, ये कंकड़ वाला जो दूल्हा है बहुत बढ़िया बात है, और उसका अभिप्राय यह है कि निरंतर संयोग में भी वियोग का रस बना रहा है, वियोग संयोग की अनुभूति न हो तो भक्त प्राण दे दे। अगर वियोग का ठीक पूरा अनुभव हो जाए कि वियोग हो गए तो प्रेमी जीवित ही नहीं रहे, क्योंकि वियोग में कैसे जीवित रहे? सीतावली रामायण में कौशल्यांबा के संवाद में गोस्वामी जी ने कहा कि कौशल्यांबा जब प्रभु वन में चले गए तो व्याकुल होकर के सवेरे श्री राम भद्र जहां सोते थे वहां द्वार पर खड़ी हो जाती हैं और पुकारती हैं, उठो उठो राम, अभी सो रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे मित्र जो है बाहर खड़े होकर के तुम्हें पुकार रहे हैं। किशोर कौशल्या जी की सखियों को लगा माँ को कुछ मस्तिष्क का विक्षेप हो गया, भ्रम हो गया, क्या भूल गई? तो सखी ने कहा कि आप क्या भूल गई, जो वन चले गए उसमें भक्त की जो व्याख्या कौशल्या जी ने किया उनका सखी बड़ी समस्या है, तुम कहती हो कि वन चले गए तो तुम झूठ क्यों बोलो, लेकिन मैं क्या करूं, कल लगे रहत मेरे नैने नी आगे राम लखन और सीता, मेरी आंखों के सामने दिखाई देते रहते हैं, तुम कह रहे हो वन चले गए हैं, मैं बड़े संकट हूं, तुम जो कह रही हो वो ठीक कि जो मैं आंखों से देख रही हूं वो ठीक। और तब उन्होंने कहा कि सखी मैं बता दूं कि अगर एक बार मुझे अनुभव हो जाए कि वे दूर चले गए तो जानती हूं क्या हो, बोले तन न रहे रघुपति विलोकन, अब अगर शरीर जो है दूर चले गए तो ये शरीर वियोग में एक क्षण भी नहीं जाएगा, और अगर सचमुच संयोग हो जाए तो दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा करत और प्राण बयान सुनो सखी अरुझ परे ही ले गए, आज तक मैं निर्णय नहीं कर पाई कि संयोग है कि वियोग, अगर संयोग है तो दुख का अनुभव क्यों हो रहा और अगर वियोग है तो प्राण क्यों नहीं चला जाता। मानो ऐसी स्थिति जिसको कहते हैं संयोग और वियोग दोनों का ही दिव्य जो तत्व है वह दिखाई देता है भक्तों के हृदय में, भक्तों की आंखों में, भक्तों के जीवन में, और इस तरह से संयोग और वियोग का श्री वृंदावन की प्रेम धारा में इसका वर्णन संवाद में श्री हरिवंश जी महाराज ने का चक्रवात और चक्रवात के साथ साथ वह सारस जो होता है जिसको आपने देखा होगा, सारस और चक्रवात में नहीं, तो सारस के विषय में कहा जाता है कि अगर एक सारस अगर दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी अपना शरीर छोड़ देता है, और चक्रवात के विषय में कहा जाता है कि वो दिन में दिन के बाद रात्रि के समय वियोग हो जाता है और सारी रात वियोग में रखता रहता है। तो दोनों का संवाद लिखते हैं श्री हरिवंश जी महाराज कि चक्रवात से सारस ने ये कहा क्या राजभर चिल्लाया करते हो, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा होता जैसा मेरा है तो तुम भी वियोग में प्राण का परित्याग कर देते कि रोज वियोग और रोज पुकार। और सारस ने कहा अरे तुम में क्या है, पर तुम तो बस वियोग हुआ और तुमने प्राण दे दिया और अपने आप को छुट्टी दे दिया, जीवित रहते हुए भी निरंतर पीड़ा के अनुभव में जलना कितना कठिन है इसको तो कह जाना। तो मानो विरह और मिलन श्री हरिवंश जी से पूछा गया प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, मिलन है कि विरह है, तो उन्होंने कहा हरिवंश
विचार मिलन विरह रस, विरह मिलन, ये जो विरह और मिलन का सम्मिलित रस है यही प्रेम, जिसमें निरंतर संयोग होते हुए वियोग की अनुभूति और जहां वियोग में भी निरंतर संयोग की अनुभूति, ऐसा जो विलक्षण क्रम है, ऐसा जो विरोधाभास है, यही इस प्रेम की अनिर्वचनीयता है, यही विलक्षणता है। और फिर वही क्रम है, निकट में आए हैं, हृदय में है, विराजमान है, और फिर व्याकुलता इतनी है, ये जा रही तो फिर ही अब अनुभव पितु बस जाने, मेरा विवाह तो पिताजी के बस में है, धर्म टूटने के बस में है, और फिर आप पराकाष्ठा का अनुभव कीजिए। श्री किशोरी जी को देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया, श्री किशोरी जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, और स्वयं उनकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। लेकिन जब वो धनुष तोड़ने के लिए प्रभु श्री रामभद्र जा रहे हैं तो क्या देखा, वो स्वामी जी कहते हैं इतनी व्याकुल हो गई और अपने पिताजी को दोष दे रहे, अहंकार दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ नहानी, सचिव सभय सुख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई, कोई अगर भरोसा दिलावे सखी तो सुनैना जी को तो सखी ने व्याख्या देके भरोसा दिला दिया। पर श्री किशोरी जी कहती है दीदी कई भांति धरो उरत हीरा, सिरत सुमन कल भेदी हीरा, क्या सिरसी का पुष्प जो है वो हीरे को भेद सकता है क्या। और उसके बाद फिर जो देवी देवताओं को मनाती है, संसारी लोग क्या उतना देवी देवताओं को मनाएंगे जैसा श्री किशोरी जी मनाने लगे, कोई देवता ही ऐसा नहीं है कि जिसको वो प्रार्थना न कर रही, और कोई देवता अगर लगा कि नहीं सुन रहा है तो सीधे उन्होंने धनुष से ही कह दिया कि अब सारे देवी देवता तो नहीं आते हैं, पर धनुष महोदय आप तो स्वयं सबसे बड़े देवता हैं, और देवता है तो मेरी प्रार्थना अब मैं समझू चाप गति तोड़ी, और धनुष को बोल नहीं रहा, न बोलने का थे कि जड़ थोड़ी बोले। तो श्री किशोरी जी धनुष को मंत्र बता रहे हैं, तुम चेतन हो जाओ, धनुष नहीं बोला पर कोई पूछ सकता है जड़ से चेतन कैसे हो जाए, तो आप उपाय बताती हैं, निज जड़ता लोगन पर डाली, ये जो चेतन है इनका व्यवहार जड़ रहता है, तुम जड़ हो तुम चेतन होना। अब धनुष फिर नहीं बोला तो उनको लगा कि धनुष ये कह रहा है कि आपकी प्रार्थना तो बड़ी विचित्र है, पहले आप मुझे जड़ से चेतन बना रही हैं और बाद में कह रहे टूट जाओ, तो चेतन हो जाने के बाद कोई पसंद करता है क्या कि हमें कोई तोड़ दे, जड़ हूं तो जड़ को कोई भले तोड़ दे, पर आप पहले तो कह रहे चेतन हो जाओ, क्या मधुर प्रार्थना है। उन्होंने कहा निश्चित रूप से जब तुम चेतन हो जाओगे तब इनको देखो और जान जाओ, जब एक बार तुम इनको देख लोगे तो तुम अपने आप हल्के हो जाओ, तुम्हें लगेगा कितने सुकुमार हैं कि अगर टूट करके भी हम मिलन करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो इससे बढ़ के हमारा सौभाग्य क्या होगा। इसलिए कहते हो हरु रघुपति ही निहारी, तुम एक बार देख तो लो मेरे घने, मेरी आंखों से इनको तुम देखो, मेरी भी दृष्टि से जब तुमको देखोगे तो तुम अपने आप हल्के हो जाओ। आप ध्यान रखिए प्रभु ने उठने में इतना विलंब क्यों किया, और उठने के बाद चलने में इतना विलंब क्यों किया, और उसका सूत्र ये कोर तो विश्वामित्र जी महाराज बड़े कुशल प्रीत रस के ज्ञाता तो है ही, पर वो नीच के भी पंडित, जैसे उन्होंने धनुष तोड़ने के लिए बाद में कहा पहले भी तो कह सकते थे महाराज विश्वामित्र को, तो मुनि के रूप में भी और लीला के रूप में पुष्पवाटिका में जो कुछ हुआ है उसको तो जन स्वयं प्रभु ने बता दिया, और इसीलिए आपने ध्यान दिया जब प्रभु को लेकर के मुनि जी चले थे तो ये कहा था, ये नहीं कहा कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा, धनुष यज्ञ वहां यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में तो तुम्हें चलनी चाहिए, और प्रभु भी गुरु की वाणी को इतना महत्व देते हैं कि उन्होंने तुरंत यही कहा लक्ष्मण जी को परिचय देते हुए, तात
जनक सनैया यह सोई धनुष यज्ञ जही कारण हो। लेकिन जब शशांक जी ने आकर के कहा कि महाराज जनक धनुष यज्ञ में पधारने का अनुरोध कर रहे हैं, तो गुरु जी ने यज्ञ कहना बंद कर दिया। अब श्री रामभद्र से क्या कहते हैं, स्वीय स्वयंवर देखे जाएगा, सीता जी का स्वयंवर चल के देखना चाहिए, वो तो प्रभु और गुरु जी समझ सकते हैं। बोले अभी तक स्वीय स्वयंवर भले न रहा हो, पर कल तो स्वयंवर हो भी गया। जब स्वयं आपने दूसरे का वर्ण कर लिया तो सच्चे अर्थों में अर्थों के बाहर से लोगों को दिखाई देना भर है, पर ये तो स्वीय स्वयंवर हो गया। देखिए जाइए ईश खाई दो देही बढ़ाई, मैं पता नहीं ईश्वर किसको बढ़ाई दे। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, लखन कहा, जिस भाजन सोई नाथ कृपा तो जा पर बोली। महाराज आप पर जिसकी कृपा होगी वही तो यश का पात्र बने। हरते मुनि सब खुद मेहरबानी, दीन आशीष समय सुखमानी, प्रसन्न हो गए आशीर्वाद के। पर वहां पहुंच करके जब जनक के बंदी ने ये कहा कि जो धनुष तोड़ेगा उसे जनक नंदिनी जयमाली लाल के वर्ण करेंगी, तो गुरु जी चुप बैठे हुए। इतना विलंब क्यों लगा रहे हैं, कब विलंब इसलिए लगा रहे हैं, वे जानते हैं यही उनकी नीच कुशलता है। और कुशलता है कि किसी को प्रकट करना हो महिमा को तो कैसे प्रकट किया जाए। मान लीजिए जनक के बंदी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को जनक नंदिनी उसके कंठ में जयमाल डाले, और प्रभु कितना अनुराग करते हैं उस वाटिका में वर्णन है, तो गुरु जी को तुरंत कहना चाहिए और प्रभु को तुरंत तोड़ करके वो आकांक्षा पूरी कर देनी चाहिए। पर गुरु जी तो ऐसे शांति से बैठे हुए कि बोल ही नहीं रहे। क्यों, गुरु जी जानते हैं कि अगर पहले कहीं रामभद्र के द्वारा धनुष टूट गया तो अन्य राजा कहेंगे अरे हमें तो अवसर ही नहीं मिला, नहीं तो हम ही तोड़ दूंगे। इसलिए जरा ही अपना अपना सब कुछ करके देख ले और सब समझ ले कि हम कुछ नहीं कर पाए, तब प्रकट होना चाहिए। ये गुरु जी के कौशल कैसे प्रकट किया जाए, किसी को कैसे रखा जाए। और प्रभु जानबूझ के विलंब क्यों कर रहे हैं, इस विलंब का रहस्य यही है। प्रभु जो चाहते सर्वत्र उस रस की विलक्षणता यही है कि अगर श्री किशोर जी विश्वास होना चाहिए कि चलता होना चाहिए, विश्वास की महिमा बार बार गई जाती है। पर श्री किशोरी जी जब व्याकुल हो रही है कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वे संशय है कि विश्वास है, क्या इसको माने। नारद जी ने कह दिया, पार्वती जी ने कह दिया, और फिर भी पता नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा, क्या होगा कैसे होगा। यह जो अंतःकरण में तीव्रतम व्याकुलता है, प्रभु चाहते क्या है। प्रभु मानो इस विलक्षण दिव्य लीला में जो विरह का दिव्य व्याकुलता का एक उस व्याकुलता की दृष्टि के लिए जानबूझ करके प्रभु पहले उठते हैं। मानो वह बताना चाहते हैं किस भक्त रस में अगर किसी को यह संतोष हो गया कि हमने तो भगवान को पा लिया, अब तो कुछ पाना शेष नहीं है। नहीं नहीं, यहां तो हर क्षण एक एक पल उठ रहा है और व्याकुलता बढ़ती जा रही है, व्याकुलता बढ़ती जा रही है, और बड़े सब जब ठाड़ भय उठी सहज सुभाए, चले तो सहज ही चले सकल जब पाने, और धनुष के पास पहुंच करके विचारों और देख रहे और कह रहे जनक प्रवासी ये क्या तोड़ेंगे, इतने उठने में समय लगा, चलने में अब इधर उधर क्या देख रहे हैं, प्रभु क्या देख रहे हैं। बोले व्याकुलता की पराकाष्ठा, और व्याकुलता की पराकाष्ठा क्या, जब पुरुष भी नहीं बोला तब श्री किशोरी जी में इतनी व्याकुलता आ गई कि गोस्वामी जी ने कहा आंख में आंसू आ गए, और आंख में आंसू आने के बाद अब उस आंसू को प्रकट भी नहीं कर सकते हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, सकुच ही व्याकुलता बढ़ जाए। जब व्याकुलता की पराकाष्ठा हो गई तो वहां अप्रबंध यशाव सौदे हो रहे ऋषित बारिद जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा
का बनता जब कुछ सुखाने समय सुखे पुनि का पछताने। अस जिये जान जानगी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीत विषय। मानो यह जो व्याकुलता है आंखों का जो आंसू है इतनी तीव्र, यह जो विश्वास अगर हो जाए इस रस की लीला में अगर विश्वास हो जाएगा तो वो व्याकुलता का भाव उदित ही नहीं होगा। श्री भरत जी को भी अगर ये लगता है कि प्रभु नहीं आ रहे हैं तो कितनी व्याकुलता उत्पन्न होती है, और जब व्याकुलता की पराकाष्ठा हो गई और प्रभु को ये लगा अब तो प्राणहीन का व्याकुलता से छूट जाएगा, बस इतना हुआ, अब तो इतनी शीघ्रता हुई किसी दिलों के तक उठन कैसे चितव करुण लघु व्याली जैसे लेत चढ़ावत खैचित गाड़े काउन लखा देख सोढ़ाड़े तेजल राम मध्य धन तोरा भर उज्वल धन घोर घोर कटोरा। एक क्षण में ही धर्म भंग हो गया। पर इतने विलंब का अभिप्राय यह है कि यह जो दिव्य रस है उसकी विलक्षणता यह है कि इसमें संशय भी और विश्वास भी, विरह भी है संयोग भी, अंधकार भी है प्रकाश भी है। इतना संशय है कि सबको मिला नहीं और विश्वास कैसा है। बोले प्रभु तन चिदई प्रेम पन ठाना का कृपा निधान राम सब जाना, और जही कर जही पर सत्य सनेहू सोते ही मिले हैं कच संदेह। कैसा अद्भुत यह विरोधाभास है, यही प्रकाश और अंधकार का मिलन है। भक्त रस में जो ब्रह्मा ने वट को बनाते समय प्रकाश और अंधकार को मिला दिया का यही भक्त की विलक्षणता है, और इसीलिए भक्त में प्रेम में निरंतर वृद्धि होती है। पूर्णता का बोध अगर हो जाए तब तो का फिर तो रस की वृद्धि नहीं होगी, पर यह निरंतर जो रस की वृद्धि हो रही है तो कहीं तो संयोग में संयोग, और यहां तो इतने निकट बैठे हुए पर नहीं नहीं। मानो संकेत था किशोरी जी का, हम लोगों को यह उन्होंने कृपा करके बताया कि निरंतर पास होने पर भी डरते रहो। ये डरते रहना वो कभी जिसे भगवान ने पूछा क्या चाहते हो, बोले शुद्ध की प्रीत। पिता को बच्चे को पिता का जैसा प्रेम मिलता है वैसा प्रेम दीजिए, और कुछ चाहते हो। बोले प्रतीति मीत की, एक मित्र दूसरे मित्र से जितना विश्वास करता है वैसा विश्वास दीजिए। प्रेम और विश्वास ही तो चाहते हो, नहीं महाराज एक वस्तु और दे दीजिए। क्या सुत की प्रीति प्रतीति नीत की नृपजो डर करके, राजा से जैसे डर लगता रहता है उसी प्रकार से निरंतर आपसे डर लगता है। और आप कैसी लक्षण बात देखेंगे, लक्ष्मण जी भी डरते हैं और श्री किशोर जी भी डरते हैं। लक्ष्मण जी और डर, अरे जिनका भाषण सुन करके ब्रह्मांड हिल जाए कांप उठे, पर कितना डरते हैं आप पढ़ते हैं। रात को जब श्री लक्ष्मण प्रभु का श्री चरण दबा रहे हैं तो गोस्वामी जी क्या कहते, चापत चरण लखनपुर लाए सभय सप्रेम परम से तुभाए। डरे एक क्षण डरते हैं छूते हुए, ऐसा न हो कि प्रभु के नींद में बाधा पड़ जाए, ऐसा न हो कि मुझसे कहने लगे क्या करके सो जाओ। यह जो व्याकुलता बनी हुई है भय बना हुआ है, और श्री किशोरी जी भी उनमें जो भय है बार बार भय का वर्णन है, और वो तो चलती भी है तो इतना डरती भी चलती है। प्रभु पद रेख बीज बीच सीता भरत चरण मग चलत सभीता। मानो उसका अभिप्राय है कि यह भय यह व्याकुलता जो उत्कंठा है वो निरंतर उस रस को जैसे समुद्र का जो जल है वह चंद्रमा की पूर्णता को देख करके ज्वार के रूप में प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार का यह व्यरस है। मानो श्री किशोर जी का तात्पर्य है कि सामीप्य मान करके निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, निरंतर डरते ही रहना चाहिए। और उसका अभिप्राय है कि संयोग तो शाश्वत है, पर उस संयोग में जब संयोग के साथ साथ दिखाई देने लगे हर क्षण डर बना रहे, और डर बना रहे तो क्या होगा, हाथ न हिले और आंख न हिले,
और यही तो सब कुछ है। हाथ कर्मेंद्रिय है और यहां जो नेत्र है वो ज्ञानेन्द्रिय। बोले प्रभु हमारी दृष्टि से तभी ओझल होते हैं जब हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय कहीं अन्यत्र चंचल हो जाती है। मानो श्री किशोरी जी ने जो अद्भुत यह जो कौतुक हुआ, यह जो विरोध हो रहा है जनकपुर में, ये जो विवाह का प्रसंग है, विवाह की तैयारी है, व्याकुलता है, विवाह होना है, उत्कंठा है, हो गया तो फिर पास में भी डर के मारे अपना हाथ नहीं हिलाना है, अपने नेत्र की पलकों को नहीं हिलाना है। गोस्वामी जी कहते कौतुक विरोध प्रमोद और दूसरी ओर विरोध का एक रूप वो है जो लंका में प्रचलित है, प्रमोद का एक रूप वो है जो लंका में प्रचलित है। तो वह जो देहनगर का कौतुक है, देहनगर का विरोध और प्रमोद है वो अलग प्रकार है। रावण भी अपने को बड़ा विरोधी समझता, तो विरोध काहे का है? रावण को उपदेश दिया मंदोदरी ने, आप जानते हैं प्रभु कौन है, उनका क्या स्वरूप है? वो विराट भगवान जिनका चरण पाताल है, आकाश चर है, आपको उनका भजन करना चाहिए। अब रावण का विरोध देखिए क्या गंभीर हो गया रावण, और उसके बाद पंक्तियों को पढ़िए कि मंदोदरी तुम इतना गंभीर भाषण देती हो मुझे तो कभी पता नहीं, पहली बार तुम्हारा भाषण सुन करके लगा कि मुझे भी समझने में थोड़ा समय लगा। और कहा कि वो जो मैं समझ भी पाया वो समझ बड़ा प्रसाद अब तोरे, तुम अगर कृपा न करती तो तुम्हारे भाषण की गंभीरता को समझ में नहीं पाता। कैसी विलक्षण स्थिति हो रही मंदोदरी, और तुमने जो भाषण दिया है वो तो बड़ा गुढ़ है, तो मतलब कहीं गुढ़ मृगलोचन। और उसके पश्चात मंदोदरी कोई वक्ता की बहुत प्रशंसा करे और बाद में वक्ता पूछ दे कि आपने क्या समझा, और वो अपनी समझ बतावे। एक गायक गा रहे थे तो एक सज्जन, भाई भाई तो वो से लोग करते हैं, एक सज्जन जो है बार बार सिर हिला के केवल सिर ही नहीं हिला रहे थे, बाहर लाइन कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अन्य लोग तो वैसे ही प्रशंसा कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि वो उस्ताद जो थे गाने वाले वो भैरवी गा रहे थे। उन्होंने कहा कि वाह उस्ताद तुमने क्या बढ़िया किनारा पाया। तो उस गायक ने सिर पीट लिया कि यही अगर पार्की रह गया, जिसको ये पता ही नहीं है कि क्या प्रशंसा होती है। असमझवार सराही को समझवार कोमल, रावण ने जब गंभीर भाषण की व्याख्या किया तो मंदोदरी ने सिर पीट लिया। महाराज आपने मेरे भाषण का क्या अर्थ समझा? बोले मंदोदरी मैं समझ गया, सुनने में लगता है कि तुम अयोध्या के राजकुमार की प्रशंसा कर रही हो, पर मैं समझ गया ये बस ये जो जानो प्रिया थोड़ी चतुराई, ये भी कहो मोर, ये मेरे ही वर्णन तुम कर रहे हो। क्योंकि जब तुमने कह दिया कि आकाश उनका चल रहे पाताल उनका चरण है, तो मैं समझ गया कि वो अयोध्या वाला राजकुमार क्या है, वो तो मेरे सामने बिल्कुल गौना है। तो ये विराट तो मैं ही हूं, और साथ साथ कितनी चतुर हो। मैंने सोचा कि तुम उस राजकुमार का नाम क्यों ले रही, तो मैं समझ गया कि तुम बहुत पतिव्रता हो, और उस परंपरा यह कि पति का नाम नहीं लिया जाता, तो मुझे तुम्हारा तुम्हें मेरे नाम लेने में संकोच हुआ होगा, तो तुमने मेरा नया नाम राम रख दिया, मैं पता तू तुम्हारे पास। गोस्वामी जी का ये विधि करत विनोद, बस ये है रावण का विरोध। और वह विरोध मैंने कितनी शब्दावली हो सब कुछ हो, पर विरोध का तत्व है कि उसने अति में टाल करके रात भर पिता प्रशंसा करके क्या गंभीर भाषण दिया है। मंदोदरी समझ गई कि मंदोदरी मन मास थे काल समय, तो मानो एक और मिथिला का विरोध और भगवान का जो अयोध्या में क्या उसकी चर्चा है। यही तो प्रभु शिष्य विनोद प्रभु कीना सकल नगर वासन सुख दीना, प्रभु का विनोद जो मिथिला में है, जो श्री अवध में है, रावण का विनोद
जो बंदोबस्त करता हुआ और रात में व्यतीत कर देता है। हम लोग विरोध में कितना समय बर्बाद कर देते हैं, पर विरोध का सार क्या है, तत्व क्या है? और प्रमोद रावण क्या, क्या प्रमोद नहीं है क्या? और वो स्वामी जी ने कहा उसको भी प्रमोद मिला, प्रमोद मिला नहीं, उसको लगा कि बस इससे बढ़कर के आनंद तो कुछ नहीं होगा। तब जब मैं दानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी को ब्याह दिया तो गोस्वामी जी ने ये जो रावण ने जब मंदोदरी से विवाह हुआ तो प्रमोद तो भय उनारी भल पाए, इतनी सुंदरी पत्नी मिल गई, इससे बढ़कर कोई प्रमोद नहीं है। तो जिसको सांसारिक सुंदरता मिलना ही प्रमोद जान पड़े, जो विनोद में ब्रह्म रावण के स्थान पर अपनी ही महिमा का गायन करे। और यहां तो प्रमोद जब विवाह करके चारों राजकुमार लौटते हैं तब वह जो प्रमोद का मोद प्रमोद विश्व माता माताओं के अंतःकरण में जो प्रमोद है, और वह प्रमोद है बाबा परम तत्व जन योगी अमृत लहू जन संत करोगी जन्म रंग के जनु पारस पावा अंधे लोचन लाभ सुहावा मुख बदन जन सार छाई मानव समय सूर जय पाई ये सुख दे तत्कोटि गुण पावन मान वरंद भाई सहित विवाह घर आए कुल। मानो लंका का प्रमोद नारी भल पाई, और यह का प्रमोद है जब श्री किशोरी जी और श्री राम भद्र का पवन पड़े, श्री लक्ष्मण श्री भरत शत्रु का दिव्य विवाह, तो माताओं के हृदय में प्रमोद की पराकाष्ठा। यहां पर मिथिला में जो लीला चल रही है वो देखने में तो ऐसा लगता है कि साधारणतया विवाहों में जैसा होता है वही हो रहा है। सर्वोत्तम स्वामी जी कहते हैं जब संदेह हो कि ये वृक्ष काहे का है तो एक ने कहा यह है, एक ने कहा यह है, अंत में उसका निर्णय तो फल बता देगा कि वस्तुतः ये वृक्ष काहे है। वो स्वामी जी ने कहा इस कोहबर के इस लीला का फल यही है, और उसका फल उनका कौतुक विनोद प्रमोद और प्रेम। जब प्रेम के दिव्य मकरंद रस का पान होने लगे, जब प्रभु के चरणों में किशोरी जी के चरणों में प्रेम का उदय हो तो समझ लेना चाहिए कि हमने कोहबर में प्रवेश पा लिया और उस लीला रस का समास्वादन किया। धन्य हो अब व्यर्थ कथा का तो अनंत रूप है, अनंत विस्तार है। हम कितने आभारी हैं हमारे सभ्य महापुरुष संत यहां पर पधारे, और वो कथा में तो भगवत कथा में सर्वत्र आनंद आता है, लेकिन जब इतने संत और महापुरुष हो तो उसके आनंद का तो कहने ही क्या है। और उनके सामने कुछ कहने में अगर अधिक गंभीर हो गया हो और कुछ लोगों को रस न भी मिला हो तो मुझे विश्वास है कि आप इस रस को आनंद से अनुभव करेंगे हम लोगों के अंतःकरण में। कौतुक विरोध प्रमोद के पश्चात प्रेम रस का उदय हो, यही श्री किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना है। जानकी महल में श्री किशोरी जी की कृपा से यही हम सबको मिलना चाहिए। मैं पुनः पुनः समस्त संतों को प्रणाम करते हुए अभिनंदन करते हुए इस प्रसंग को मैं आपको या सुनाम भवदे सज अरण घोर त्रय सूल तो कृपालु